अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव मेडिकल स्टूडियो। डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम। कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम के काजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट्स क्या है और प्रिवेंशन क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी। कार्पस इज अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कार्पोस व्हिच मींस रिस्ट। द रिस्ट इज सराउंडेड बाय अ बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू दैट नॉर्मली फंक्शंस एज अ सपोर्ट फॉर द जॉइंट। यानी कार्पस वर्ड कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से, यानी कार्पोस से, जिसका मतलब क्या है, रिस्ट। रिस्ट के सराउंडेड में क्या है, फाइब्रस टिश्यूज होते हैं और उसकी फंक्शंस क्या होती है, वो इस रिस्ट जॉइंट को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद क्या है एनाटॉमी में, द टाइट स्पेस बिटवीन दिस फाइब्रस बैंड एंड द रिस्ट बोन इज कॉल्ड द कार्पल ट्यूनल। यानी कार्पल ट्यूनल कहाँ पे होती है, जो टाइट स्पेस होती है इस फाइब्रस बैंड में और रिस्ट बोन के साथ, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कार्पल ट्यूनल कहते हैं। द मेडियन नैरो पासेस थ्रू द कार्पल ट्यूनल टू रिसीव सेंसेशंस फ्रॉम द थंब, इंडेक्स एंड मिडल फिंगर्स ऑफ द हैंड। यानी मिडल नैरो जो होती है वो पास हो जाती है कहाँ पे, कार्पल ट्यूनल से, और रिसीव करते हैं सेंसेशंस को कहाँ से, थंब से, इंडेक्स से एंड मिडल फिंगर से ऑफ द हैंड। एनाटॉमी में यही आपको शो हुआ यहाँ पे कि मेडियन नैरो कहाँ पे होती है, ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट्स या फ्लेक्सर टेंडन्स में ये कहाँ पे मौजूद होती है। कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम्स में क्या है मजीद, कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम इज प्रेशर ऑन द मेडियन नैरो। कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम बेसिकली क्या है, ये जो मेडियन नैरो है उस पर प्रेशर आ जाती है, द नैरो इन द रिस्ट दैट सप्लाइज फीलिंग एंड मूवमेंट टू फोर्स ऑफ द हैंड। यानी ये नैरो जो रिस्ट जॉइंट में मौजूद होती है ये क्या करते हैं, सप्लाइज करते हैं और मूवमेंट्स जो हाथ की होती है इसको कवर करते हैं। इट कैन लीड टू नमनेस, टेंगलिंग, वीकनेस और मसल डैमेज इन द हैंड एंड फिंगर्स। यानी जब कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम हो जाती है तो उसमें क्या मसले होते हैं, नमनेस होती है, टेंगलिंग महसूस होती है, वीकनेस फील होती है और साथ में मसल जो है वो डैमेज हो सकते हैं उस हाथ में या उन उंगलियों के। सिम्टम्स इसकी क्या है, नमनेस और टेंगलिंग इन द थंब एंड नेक्स्ट टू और थ्री फिंगर्स ऑफ वन और बोथ हैंड्स। यानी इसमें नमनेस होती है या टेंगलिंग मौजूद होती है और साथ में क्या होती है, टू और थ्री फिंगर्स है ये एक हाथ के, इस उनमें ये मसला हो सकता है। नमनेस और टेंगलिंग ऑफ द पाम ऑफ द हैंड, यानी हैंड की जो पाम होती है वहाँ पे ये नमनेस और टेंगलिंग महसूस होती है, फील होता है। पेन एक्सटेंडिंग टू द एल्बो, और इसकी जो पेन होती है ये एल्बो तक ऊपर महसूस हो सकती है। पेन इन रिस्ट और हैंड इज वन और बोथ हैंड्स, ये पेन रिस्ट के जॉइंट पे मौजूद होती है, ये वन हैंड में भी हो सकते हैं और दूसरों दोनों हाथों में भी हो सकते हैं। मजीद सिम्टम्स में क्या है, प्रॉब्लम्स विद फाइन फिंगर मूवमेंट्स कोऑर्डिनेशन इन वन और बोथ हैंड्स। यानी फिंगर की जो कोऑर्डिनेशन होती है, जो मूवमेंट्स होती है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है एक हाथ की या दोनों हाथों की। वेस्टिंग अवे ऑफ द मसल अंडर द थंब इन एडवांस्ड और लॉन्ग टर्म केसेस। वीक ग्रिप और डिफिकल्टी कैरिंग बैग्स ए कॉमन कंप्लेंट, यानी उसकी जो ग्रिप होती है वो वीक हो जाती है और अगर कोई बैग वगैरह कैरी करना होता है तो उसमें मुश्किल होती है। वीकनेस इन वन आर बोथ हैंड्स, और ये वीकनेस एक हाथ या दोनों हाथों में हो सकती है। काजेस क्या है, यूजुअली द काज इज अननोन, काज अननोन है। प्रेशर ऑन द नैरो कैन हैपन सेवरल वेज, लेकिन जो मेडियल नैरो है उस पर प्रेशर जो होती है ये मुख्तलिफ तरीकों से हो सकती है। स्वेलिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ द फ्लेक्सर टेंडन्स कॉल्ड टेनोसाइनोवाइटिस, यानी इसमें स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से जो फ्लेक्सर टेंडन्स होती है उस पर प्रेशर आ जाती है और उसी को हम क्या कहते हैं, टेनोसाइनोवाइटिस कहते हैं। यानी वहाँ पर भी स्वेलिंग की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। काजेस में क्या है, जॉइंट डिसलोकेशंस, इसकी वजह से जॉइंट डिसलोकेशंस हो सकती है, फ्रैक्चर्स हो सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन नैरो द ट्यूनल, ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से भी ये मसला हो सकता है। पोस्चर कीपिंग द रिस्ट बेंट फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, अगर इसी तरह इस रिस्ट जॉइंट को काफ़ी टाइम के लिए बेंट रखा जाए तब भी ये मसला हो सकता है, यानी पोस्चर की वजह से भी ये इशू हो सकता है। रिपीटेटिव रिस्ट मूवमेंट्स, और इसी तरह अगर रिस्ट जॉइंट्स को रिपीटेटिवली मूवमेंट्स दिया जाता है लॉन्ग टाइम के लिए तो उसकी वजह से भी कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम हो सकता है। काजेस मजीद में क्या है, फ्लूइड रिटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज स्वेलिंग इन द ट्यूनल एंड सिम्टम्स ऑफ कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम विच ऑफन गो अवे आफ्टर डिलीवरी। यानी अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान फ्लूइड रिटेंशन की वजह से भी वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम सिम्टम्स अपीयर हो जाती है, लेकिन ये डिलीवरी के बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। थायराइड कंडीशंस, हाइपोथायराइडिज्म, यानी अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तब भी कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी इसकी काज है। डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी हो सकता है।
मजीद काज में क्या है, वमेन आर थ्री टाइम्स एज लाइकली एज मेन आर टू डिवेलप कार्पल टनल सिंड्रोम, यानी फीमेल्स में ये थ्री टाइम्स ज़्यादा होती है कंपेयर टू मेल अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स एंड स्ट्रोक। यानी ये कौन कहता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स एंड स्ट्रोक वाले ये कहते हैं कि ये ट्यूनल सिंड्रोम जो है कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम ये फीमेल में थ्री टाइम्स ज़्यादा होती है कंपेयर टू मेल। हेरिडिटी, यू मे बी सिग्निफिकेंटली मोर लाइकली टू डिवेलप कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम इफ़ क्लोज रिलेटिव्स हैव हैड द कंडीशन। यानी अगर ये हेरिडिटी भी हो सकती है, यानी अगर ब्लड रिलेटिव में ये मसला मौजूद है तो दूसरों को भी हो सकती है उस फैमिली में। इनहेरिटेड फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स सच एज द शेप ऑफ योर रेस्ट मे मेक यू मोर ससेप्टेबल। इसी तरह अगर आपकी रेस्ट जॉइंट की जो शेप होती है अगर वो उसमें कोई डिफॉल्ट है तो उस वजह से भी वो पेशेंट ज़्यादा ससेप्टेबल होती है कि उसको कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम हो सकता है। डायग्नोसिस में क्या है, हिस्ट्री, पेशेंट्स की हिस्ट्री लेते हैं कि उनकी फैमिली में ये उनकी माँ बाप बहन सिस्टर वगैरह में या हाला मामू वगैरह में इसी तरह कोई डिजीज़ है या नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, टाइनल साइन चेक करते हैं, इज़ अवे टू डिटेक्ट इरिटेटेड नर्व्स, इट इज़ परफॉर्म्ड बाय लाइटली और टैपिंग परकशंस ओवर द नैरो टू एलिसाइट ए सेंसेशन ऑफ टेंगलिंग और पेंस एंड नीडल्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नैरो। यानी टाइनल साइन क्या है, ये एक प्रोसीजर्स है जिसके थ्रू ये डायग्नोस किया जाता है, ये फाइंड आउट किया जाता है कि आया जो कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम है ये मौजूद है या नहीं है, वहाँ पे जो टेंगलिंग है जो सेंसेशंस होती है वो मौजूद है या नहीं है। डायग्नोसिस में क्या है, फेरिंस मैन्योर इज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम डिस्कवर्ड बाय एन अमेरिकन ऑर्थोपेडिस्ट नेम जॉर्ज एस फैलन। यानी ये भी क्या है, ये भी एक प्रोसीजर्स है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम को डिस्कवर किया जा सकता है, जो एक अमेरिकन ने ये डिस्कवर किया है। डायग्नोसिस में मजीद क्या है, एट्रोफी ऑफ द थिनर एमिनेंस सिवियर केसेस यन एबडक्टर पॉलिसीज ब्रेस फ्लेक्सर पॉलिसीज ब्रेस ओपोनेंस पॉलिसीज, ये भी मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। मजीद डायग्नोसिस में क्या है, नैरो कंडक्शन स्टडीज प्रोलॉन्गेशंस ऑफ द डिस्टल लेटेंसीज ऑफ द मीडियन मोटर एंड सेंसरी एवोक्ड पोटेंशियल्स एक्सक्लूड्स पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड अदर नैरो लीजंस। इसके थ्रू भी, यानी नैरो कंडक्शन स्टडीज के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, ये डायग्नोसिस कर सकते हैं। मजीद डायग्नोसिस में क्या है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी एवलुएट्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस फ्रॉम द मसल फाइबर्स। यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम के डायग्नोसिस के लिए। एक्सक्लूड्स सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी डीनर्वेशन पोटेंशियल्स ऑन द मसल्स सप्लाइड बाई द मीडियन नैरो क्राइटेरिया फॉर सर्जिकल डिकम्प्रेशंस। यानी ये भी मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं जो हम कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम्स के डायग्नोसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में क्या है, द गोल ऑफ ट्रीटमेंट फॉर CTS इज टू रिड्यूस द स्वेलिंग एंड प्रेशर ऑन द मीडियन नैरो। यानी कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम्स ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, इसकी गोल क्या है, टू रिड्यूस द स्वेलिंग, ताकि वहाँ पे जो स्वेलिंग होती है उसको हम रिड्यूस करें। क्यों, किस लिए रिड्यूस करें, प्रेशर ऑन द मीडियन नैरो रिड्यूस करें, यानी वहाँ पे जो स्वेलिंग होती है उसको हम रिड्यूस करें कि उसकी वजह से जो प्रेशर्स होती है मीडियन नैरो पे वो रिड्यूस हो सके। रेस्ट ब्रेस इस्तेमाल करें, अवॉइड इनएडिक्वेट पोस्चर एंड रिपीटेटिव रेस्ट मोमेंट। इसी तरह अगर जो इनएडिक्वेट पोस्चर्स होती है उसको अवॉइड करें और साथ में जो रिपीटेटिव रेस्ट मोमेंट्स होती हैं उसको अवॉइड करें। अर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड एंड माउस सपोर्ट, यानी ये भी एक सपोर्टिव प्रोसीजर्स है, इसको भी अप्लाई करना चाहिए। ट्रीटमेंट्स में मजीद क्या है, विटामिन B6 यानी पेरोडॉक्साइन 200 मिलीग्राम पर ओरल डेली फॉर 90 डेज में रिलीव नमनेस एंड टेंगलिंग। इसी तरह अगर विटामिन B6 को 90 डेज के लिए 200 mg पर ओरल हम इस्तेमाल करें तो उसके साथ भी जो नमनेस और टेंगलिंग्स की जो सिम्टम्स होती है वो कवर हो सकते हैं। ट्रीटमेंट में मजीद किया है, मीडियन नैरो ग्लाइंडिंग एक्सरसाइज, यानी मीडियन नैरो ग्लाइंडिंग एक्सरसाइज करने चाहिए। साथ में मीडियन नैरो ग्लाइंडिंग एक्सरसाइज की ये भी एक प्रोसीजर्स है, इस तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्पल ट्यूनल स्ट्रेच, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल्ड लेजर थेरेपी, लो लेवल लेजर थेरेपी यानी LLT, द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन कार्पल ट्यूनल एंड अदर पेन सिंड्रोम्स इज अननोन। हाइपोथेसिस हैव इंक्लूडेड इम्प्रूव्ड सेलुलर रिपेयर एंड स्टिमुलेशन ऑफ द इम्यून लिम्फेटिक एंड वास्कुलर सिस्टम। यानी ये प्रोसीजर्स भी इस्तेमाल किया जा सकता है कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम की ट्रीटमेंट के लिए या थेरापी के लिए। इसके थ्रू भी जो वहाँ पे सेलुलर रिपेयर है या स्टिमुलेशन ऑफ द इम्यून है या लिम्फेटिक है या वास्कुलर सिस्टम जो है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। लोकल कॉर्टिसोन इंजेक्शंस
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड लिडोकेन लोकल एनेस्थेटिक कैन बी इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द रेस्ट्रो। यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड लिडोकेन जो है ये हम लोकल रेस्ट में ये इंजेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम की ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में मजीद क्या है, ओरल कॉर्टिसोन यूजुअली मेड्रोल डोज फेक द लोकल इंजेक्शन एंड ओरल कॉर्टिसोन आर यूज टू रिलीव प्रेशर इंफ्लेमेशन ऑन द मेडियन नैरो एंड प्रोवाइड इमीडिएट टेम्पररी रिलीफ टू पर्सन विद माइल्ड और इंटरमिटेंट सिम्टम्स। यानी ये तो पहले भी हमने एक्सप्लेन किया कि कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम में जो हम इंजेक्शंस लगाते हैं लोकल वो किस चीज़ की होती है, वो यही कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होती है साथ में लिडोकेन होती है और ये टेम्पररी रिलीफ के लिए होती है और ये इमीडिएट रिलीफ देते हैं पेशेंट्स को ताकि उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो। ओरली में भी हम कॉर्टिसोन इस्तेमाल करवाते हैं ऐसे पेशेंट्स को। सर्जरी में क्या है, ओपन कार्पल ट्यूनल रिलीज यानी ओपन सर्जरी भी किया जाता है जिसमें कार्पल ट्यूनल रिलीज किया जाता है। सर्जरी एंडोस्कोपिक कार्पल ट्यूनल रिलीज मिनिमल इन्वेसिव, ये एंडोस्कोपिक के लिए भी किया जाता है, एंडोस्कोपिक के लिए भी कार्पल ट्यूनल रिलीज किया जाता है और ये मिनिमल इन्वेसिव होती है यानी ओपन सर्जरी की बदौलत ये बेहतर होती है। सॉरी, पोस्ट ऑपरेटिव की पोजीशन ये होती है कि इसको ड्रेसिंग किया जाता है। रिहेबिलिटेशन आफ्टर सर्जरी में क्या है, जेंटल मसाज फॉर द स्कार टिश्यू, डेंसिटाइज द इंसीजन, मोडलिटीज टू डिक्रीज पेन इंफ्लेमेशन एंड स्वेलिंग, हीट कोल्ड इस टाइम, प्रोग्रेसिवली एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन एंड स्टेबलाइज द मसल एंड जॉइंट्स इन द हैंड, एक्सरसाइज टू इम्प्रूव फाइन मोटर कंट्रोल एंड डेक्सट्रिटी। थैंक यू जी, यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं पर कोई मसला हो तो बिल्कुल आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल क्रिएटिव मेडिकल स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं की तो आई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल क्रिएटिव मेडिकल स्टूडियो। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।